our topic is active and passive voice. So what is active and passive voice? There is one subject and an object in a sentence. So कोई भी sentence होता है उसमें एक subject होता है और एक object होता है. What is a subject? Subject वो होता है जो कोई भी action perform करती है. And what is an object? Object वो होता है जो कोई भी action को receive कर रहा है, जो subject perform कर रहा है. तो एक कोई भी sentence हो उसमें common sentence में एक subject और एक object होता है. So अब active and passive voice क्या होता है? Active voice is the subject performs the action and the object receives the action is called active voice. ठीक है, कभी कोई subject कोई action perform करती है और object उसे receive करता है, उस way में अगर sentence का structure है, so that is a active voice. यहाँ पर example है, I like mangoes. So I is a subject, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे mangoes पसंद है. तो I is a subject जो action कर रहा है और मुझे क्या पसंद है, mangoes. तो mangoes क्या हो गया, object. यानी कि मैं पसंद करती हूँ mangoes को, तो वो action receive कर रहा है, so that is a receiver. So वो एक object हुआ. तो ये जो sentence है, it is a simple in active voice. ठीक है, and what is उसका जो structure है वो कैसा रहेगा, subject यानी कि S, V यानी कि verb, ये जो like हो गया वो क्या हो गया, verb हो गया, और object. ठीक है, S plus V plus O is the structure of the active voice. Next we'll see what is a passive voice. The object experiences the action that is done by the subject, it is called passive voice. ठीक है, कोई भी object है वो रिसीव कर रहा है एक्शन जो सब्जेक्ट ने किया. यहाँ पर मीनिंग चेंज नहीं हुआ, द स्ट्रक्चर इज चेंज. ठीक है, जब आप एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो आपका जो मीनिंग है वो सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बदल जाएगा. यानी कि आप जिसको वर्ड्स को जिस तरह से प्लेस करते हो वो बदल जाएगा. वो यहाँ पर दिया हुआ है, अभी यही सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला है. सो मैंगोज आर लाइक्ड बाई मी, सेंटेंस का मीनिंग यही है. यहाँ पर मीनिंग क्या था कि मुझे मैंगोज़ पसंद है, और यहाँ पर भी मीनिंग वही है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. क्या हुआ, रिवर्स हो गया है, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट का प्लेस ले लिया एंड सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट का प्लेस. तो मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी, सो जैसे कि ये पहले सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट था, अब ये बन चुका है सब्जेक्ट. वैसे ये पहले सेंटेंस में मी, आई का मी हो गया. ठीक है, तो ये मी जो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था, सॉरी ऑब्जेक्ट था, अभी वो ऑब्जेक्ट बन गया है. सो अभी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे. जैसे कि ये लाइक्ड है, इधर लाइक नहीं आएगा, इधर लाइक्ड हो जाएगा, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन. और स्पेशली पैसिव है, यानी कि पैसिव यानी मोस्टली पास्ट टेंस हुआ. ठीक है, जो हो चुका है. और फिर हम लगाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब जो है बाय. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया बाय और फिर हम लगा देंगे सब्जेक्ट को. तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज. सो मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव मीनिंग चेंज करना नहीं है, खाली स्ट्रक्चर चेंज करना है और उसको बोलने का तरीका चेंज करने के लिए. द स्ट्रक्चर गेट्स रिवर्स्ड, सिर्फ द स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाती है. अच्छा, अब हम पैसिव वॉइस कहाँ और कब क्यों यूज़ करते हैं, व्हेन डू वी यूज़ पैसिव वॉइस. फर्स्ट इज व्हेन वी डू नॉट नो द सब्जेक्ट. ठीक है, हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता. अभी यहाँ पर तो ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताया हुआ है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट कोई सेंटेंसेस होती है जब हमें नहीं पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट वी नो व्हाट एक्शन हैज़ टेकन प्लेस. तो व्हेन वी डू नॉट नो द सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं है तब. तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, राहुल्स बुक वॉज स्टोलन. तो राहुल की बुक जो है वो चोरी हो गई. अब चोरी हुई है तो डेफिनेटली किसी ने चुराई है, बट वी डू नॉट नो हु. तो ये सेंटेंस सिर्फ इतना ही है. तो दिस इज़ अ पैसिव वॉइस. अगर हमें पता चलता है कि राहुल की बुक किसने चुराई, तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, राहुल्स बुक वॉज स्टोलन, हम क्या लगा देंगे, बाय हर और बाय हिम और वट एवर द नेम ऑफ द पर्सन इज. ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर नहीं पता, तो हमने कौन सा वॉइस यूज़ किया, हमने पैसिव वॉइस यूज़ किया. ठीक है, राहुल्स बुक वॉज स्टोलन, दैट्स इट. बाय हुम जो क्वेश्चन है वो हमको नहीं पता, दैट इज़ वाई वी हैवेंट यूज्ड द ऑब्जेक्ट. सेकेंड, ऑल द चॉकलेट्स इन द जार हैव बीन ईटन. तो जार में चॉकलेट है, वो सारी चॉकलेट किसी ने खा ली. अगेन वी डू नॉट नो किसने खा ली. सो
ऑल द चॉकलेट्स इन द जार हैव बीन ईटन, दैट इज़ द सेंटेंस, ठीक है, और वो पैसिव वॉइस में है. दूसरा, वेन वी गिव इम्पॉर्टेंस टू द एक्शन रादर दैन द सब्जेक्ट हु परफॉर्म्ड इट. अब दूसरा हम कब यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस, जब हमें एक्शन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना है, उस पर नहीं कि जिसने उसे किया है. यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन रिसीव करता है और सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है. इन द सेम वे हमें अगर सिर्फ एक्शन में फोकस देना है, हमें ये ध्यान नहीं देना कि वो किसने किया, तभी भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं. जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी विल बी बिल्ट इन गुजरात, ठीक है, बाई होम, बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल, वो नहीं देखना है. ठीक है, हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस वो क्या कह रहा है, कि गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया जाएगा. द टैप इज़ बीइंग फिक्स्ड, यानी कि टैप जो घर में नल होती है वो फिक्स हो रही है. अब कौन फिक्स कर रहा है, क्या फिक्स कर रहा है, क्यों, वो सब जानने की ज़रूरत नहीं. हमारा मेन मोटिव क्या है, दैट इज़ द टैप इज़ बीइंग फिक्स्ड, द एक्शन. सो दीज आर द यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस. सो हियर वी हैव अ सेंटेंस, दैट इज़ रौनक गिफ्टेड मी अ ब्यूटिफुल बैग. ठीक है, तो ये सेंटेंस है कि रौनक ने मुझे एक ब्यूटिफुल बैग गिफ्ट की. तो अभी हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट हम ये स्टेप्स देख लेते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है. तो देख लो, फर्स्ट सेंटेंस में क्या क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रौनक, क्योंकि ही इज़ द एक्शन डूअर, वो एक्शन दे, मतलब वो गिफ्ट कर रहा है. ठीक है, गिफ्टेड मी अ ब्यूटिफुल बैग, क्या गिफ्ट किया वो, उसने एक्शन दिया कि गिफ्ट किया, उसने क्या गिफ्ट किया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ब्यूटिफुल बैग. ओके, एंड वर्ब, वर्ब यानी कि एक्शन, यानी कि जो कार्य हुआ है, तो क्या हुआ है वहाँ पे, गिफ्ट, गिफ्टेड. ठीक है, तो वो हो गया वर्ब, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया. ओके, नाउ स्वैप द सेंटेंस, स्वैप यानी कि एक्सचेंज करना, यानी कि बदल देना. ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का जगह ले लेगा. ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हमको मिल गया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा, ये अ ब्यूटिफुल बैग पूरा ऑब्जेक्ट है. तो अभी पहले ऑब्जेक्ट हम लिख लेते हैं. सो दिस वाज अ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली, अब सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का जगह ले लेगा. तो लेट अस राइट इट हियर. तो रौनक तो हमें नाम दिया हुआ है ऑलरेडी, तो रौनक ही रहेगा. अगर आई होता, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोनाउंस की जो लिस्ट है वो देख लो. अगर आई होता तो वो मी बन जाता, ही होता, ठीक है, अगर ही होता यहाँ पे, ही गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल बैग, तो हम एंड में क्या लिखते हैं, हिम लिखते हैं. ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा. तो उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आई होता तो मी, ही होता तो हिम, शी होता तो हर, वी, अस, दे, देम. ठीक है, ये याद रखना. सो वट रौनक है, नाम दिया हुआ है तो वही रहेगा, कन्वर्ट होगा. ओके, वट इज़ द थर्ड स्टेप, कन्वर्ट वर्ब इंटू वर्ब थर्ड फॉर्म. सो रौनक गिफ्टेड मी अ ब्यूटिफुल बैग, अ ब्यूटिफुल बैग. ठीक है, अब गिफ्टेड जो यहाँ पर है वर्ब है, अब उसे हमें वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये पास्ट टेंस में है, सो वी विल नॉट कन्वर्ट. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिफ्टेड ही रहेगा उसका फॉर्म. ओके, एड अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब. ठीक है, तो ये गिफ्टेड हमारा मेन वर्ब है. ठीक है, सो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम डाल देंगे वॉज. अ ब्यूटिफुल बैग वॉज गिफ्टेड, अब एड बाय बिफोर सब्जेक्ट. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट था हमारा, बाय इधर आ जाएगा, हमने सब्जेक्ट पहले बाय रख दिया. बैग वॉज गिफ्टेड बाय रौनक, तो उसने गिफ्ट किया, ठीक है, रौनक ने गिफ्ट किया किसको, टू मी, ये हमारा ऑफ. ठीक है, सो अ ब्यूटिफुल बैग वॉज गिफ्टेड बाय रौनक टू मी, ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज द सेंटेंस वी कन्वर्टेड फॉलोइंग दीज स्टेप्स, एंड देन वी हैव द लिस्ट हियर, वो आप देख लेना. Let us try solving some examples. ठीक है, so यहाँ पर कुछ sentences हैं, ये सारे sentences अलग अलग tense के हैं. ठीक है, order wise ही रखा है मैंने, simple present, present continuous ऐसे. so we will try solving them. we will refer to the steps जो हमने सीखे थे, कि पहले identify करना है, फिर convert करना है, फिर pronoun हो तो उसे बदल देना है,
ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, फिर प्रिपोजिशन के आगे सॉरी सब्जेक्ट के आगे प्रिपोजिशन लगा देनी है बाय, ओके। सो ये सारे हम स्टेप्स रिफर करके हम इसे कन्वर्ट करते हैं। सो दिस आर द सेंटेंसेस, इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही राइट्स अ लेटर, सो दिस इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही राइट्स अ लेटर। सो यहाँ पर हम पहले आइडेंटिफाई कर देते हैं, हमारा सब्जेक्ट है ही, हमारा वर्ब हो गया ये, ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर। अब हम इसे स्वैप कर देंगे, सो फर्स्ट आ जाएगा अ लेटर, अब राइट्स है तो उसका ठीक है, इससे पहले हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, तो वहाँ पर हमें लिखना है बाय हिम, ठीक है। आपको याद है जो प्रोनाउन जो था मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, प्रोनाउन जो है ही का हिम हो जाएगा, तो बाय हिम हो गया। ओके, नाउ हम अभी वर्ब को कन्वर्ट करते हैं। अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम, सिंपल। राइट का जो है वो वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगा रिटर्न, और इज रिटर्न क्योंकि ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम, ठीक है। जूड इज कुकिंग अ डिश, तो जूड इज यानी कि प्रेजेंट हो गया, कुकिंग यानी कि वो भी कर रहा है, तो क्या हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो लेट अस ट्राई सॉल्विंग दिस, तो जूड ठीक है, ही इज द एक्शन डूअर, जूड जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, अ डिश वो क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट, तो अ डिश हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, और इस कुकिंग हमारी वर्ब हो जाएगी। तो हम स्वैप कर लेते हैं, पहले अ डिश लिख लिया हमने, किससे बन रही है, बाय जूड इज कुकिंग, तो अ डिश इज बीइंग कुक्ड बाय जूड, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अ डिश इज बीइंग कुक्ड बाय जूड, और ये है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको वो टेबल रिफर करना पड़ेगा। आई हैव ईटन अ बर्गर, तो ओके चलो, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, बर्गर हो गया ऑब्जेक्ट, ईटन हो गया हमारा वर्ब, तो आई आपको पता है क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। पहले तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आ जाते हैं, अ बर्गर स्पेस छोड़ दो, बाय तो हमें लगाना ही है सब्जेक्ट पे, और बाय आई है तो क्या हो जाएगा, मी हैव ईटन अ बर्गर, आई हैव ईटन अ बर्गर यानी कि मैंने एक बर्गर खाई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गई, ठीक है। आई हैव ईटन अ बर्गर, तो आई अ बर्गर हैज़ बीन, ईटन का फॉर्म नहीं बदलेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन इट, सो आई हैव ईटन अ बर्गर हैज़ बीन ईटन बाय मी, दिस इज़ द फाइनल सेंटेंस। ओके, लेट्स ट्राई दिस वन, ही बॉट अ बाइक, दिस इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस, उसने बाइक खरीदी, ठीक है, पास्ट टेंस। सो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है अपना ही, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बाइक, और हमारा वर्ब जो है सिंपल, ये वर्ब है, ठीक है, बॉट। तो पहले तो हम स्वैप कर देते अ बाइक और बाय हिम, ये हमारा स्वैपिंग हो गया, बाय तो लगाना ही है आपको, ठीक है, वो बाय जो प्रीपोजिशन है वो सब्जेक्ट के पहले लगेगी। अ बाइक ये बहुत सिंपल है, वॉज बॉट हो गया, अ बाइक वॉज बॉट बाय हिम, ही बॉट अ बाइक, सेंटेंस की मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, खाली स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा और वर्ब का जो फॉर्म है वो बदल जाएगा। सोनू वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो अभी तो नहीं गा रहा, इस नहीं है, वॉज है यानी कि पास्ट टेंस है, सिंगिंग सिंगिंग कर रहा था यानी कि कंटिन्यूस कुछ कर रहा था, कुछ एक्शन, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। तो हमारे पास है सब्जेक्ट सोनू, सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, ओके, और वॉज सिंगिंग हमारा वर्ब है। सो पहले हम लिख लेते अ सॉन्ग और बाय, कौन कर रहा था, सोनू हमारे पास नाम है तो हमने लिख दिया सोनू, ठीक है। अ सॉन्ग वॉज, सोनू वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वॉज बीइंग, सिंगिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, ठीक है, अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय सोनू। रिया हैड फिनिश्ड द टेस्ट, यानी कि रिया ने जो था टेस्ट को फिनिश कर लिया, पास्ट परफेक्ट, ओके। सो ये रिया हमारी सब्जेक्ट है, द टेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, हैड फिनिश हमारा वर्ब है, पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख लो पहले, द टेस्ट,
स्पेस छोड़ दो, बाय सब हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस लेगा, कौन है? बाय रिया. द टेस्ट रिया हैड फिनिश्ड द टेस्ट. तो द टेस्ट was finished by Riya. ठीक है, Riya had finished the test was finished. ये थोड़ा दूर हो गया, so it would be here by Riya. Next, Roy will reject the offer. Okay, तो ये will reject यानी कि past की बात नहीं हो रही है, present की बात. Will आ गया तो समझ जाना कि ये कौन सा sentence है, future की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो will reject यानी कि Roy जो है वो offer को reject कर देगा. सो रॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया, दी ऑफर हमारा ऑब्जेक्ट और रिजेक्ट हो गया हमारा वर्ब. तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लो, दी ऑफर और बाय रॉय हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह. विल रिजेक्ट दी ऑफर, दी ऑफर विल बी आएगा. ठीक है, इधर विल बी और रिजेक्ट का हो जाएगा रिजेक्टेड. तो ये विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये रिजेक्टेड हमारा वर्ब का फॉर्म बन गया. तो ऑफर विल बी रिजेक्टेड बाय रॉय. सो दीज आर द सेंटेंसेस. ट्राई सॉल्विंग सम मोर ऑफ दिस लाइक दिस, तो आपको अच्छे से और पता चलेगा.